ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब देखिए, घर में कोई आपके खाना भी खाने आए तो तीन रोटी एक साथ नहीं परोसेंगे, तीन मिठाई नहीं देंगे, कहेंगे कम है तो दो दे दो, ज़्यादा है तो पांच रखो। लेकिन शिव बाबा पे ढूंढ के तीन ही बेलपत्र चढ़ाया, क्यों? परमात्मा से कोई हमारी दुश्मनी है? सोचने वाली बात है कि शिव बाबा पे तीन ही बेलपत्र क्यों चढ़ाई। तो वास्तव में वो प्रतीक है, परमात्मा त्रिलोकी है, त्रिकालदर्शी है। और परमात्मा शिव बाबा जब आते हैं तो सारे अशुभ अनिष्ट जो होने वाला है उसको भी शुभ बना देते। आज घर में पंडित जी भी आएंगे, तीन ही वरदान देते, कहेंगे आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, आपको एक और दे दो नहीं तो अपशगुन हो जाएगा, वो तीन ही देते। तो यहाँ तीन शुभ है, दुनिया में कहेंगे तीन अशुभ है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लेकिन परमात्मा कहते, देखो मैं आ करके तुम्हारे जीवन में कोई भी गलत बात हो, जो तुम्हें लगता हो ये अशुभ हो गया, अनिष्ट हो रहा है, वो तुम दिल की बात मुझे सुना दो, क्योंकि वो दिलाराम है, हमारे दिल की बात सुन करके हमें आराम देने वाला, सारी दुनिया के झगड़े मिटाने वाला, सारी दुनिया को सुख शांति देने वाला। तो उनके कर्तव्यवाचक अनेकों नाम है, लेकिन परमात्मा जो स्वयं उद्घाटित असली नाम है, शिव माना ही कल्याणकारी। इसलिए कहते सदा शिव, परमात्मा शिव सत्यम शिवम सुंदरम है। आज दुनिया में भी क्या कहेंगे, घर में भी बात होगी, भले हम झूठ बोलें दूसरे से, लेकिन हम क्या चाहते हैं? कहते कोई झूठ बोलता मुझे बहुत गुस्सा आती, हमें सच्चाई सफाई पसंद है। तो परमात्मा शिव सत्य है, और जो हमारे हित की कल्याण की बात चाहता है वो हमें सदा प्यारा लगता है। तो परमात्मा शिव कल्याणकारी भी है, और दुनिया में जितनी भी सुंदरता आप देख रहे हैं वो विनाशी है, चाहे रूप रंग की हो, चाहे मकान की हो, किसी भी चीज की प्रकृति की सुंदरता हो, वो सब विनाशी है। लेकिन परमात्मा शिव सदा जागृत ज्योति, सदा शिव, सदा ही सुंदर है। तो सत्य भी है, कल्याणकारी भी है, और अप्रतिम सुंदर भी है, और वह हमारे पिता है। और शिव बाबा पे हम क्या चढ़ाते आए? भांग धतूरा चढ़ाएंगे। तो भांग धतूरा, कहते धतूरा कड़वा होता है, बहुत कटीला फल, खा के बौरा जाए मनुष्य। तो परमात्मा कहते जो आज देह अभिमान के वशीभूत, क्रोध का नशा, काम विकार का नशा, लोभ का नशा, वह तो जीवन भर नहीं उतरता है, तो ये हमको चढ़ा दो। भांग का नशा पिया फिर भी ठीक हो जाएगा, धतूरा खा के फिर हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये नशा जीवन भर चढ़ा रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कहो, केस भी चलते रहे कोर्ट कचहरी में, वो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। तो परमात्मा पिता इतना प्यारा भोला है कि हम बच्चों के अंदर की इन कमियों को लेने आया,